हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। साल भर बनने का अचार हम बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये दो आधा से पौन किलो जितनी कैरी ली है। इसे मैंने हल्दी और नमक, एक टेबल स्पून हल्दी और एक वन एंड हाफ टेबल स्पून नमक डाल के इसे पानी में 5-6 घंटे रखा है, और उसके बाद इसमें निकाल के इस तरह से हमने ड्राई कर दिया। देखिए, ये बिल्कुल भी गीली नहीं है, हमें इसी तरह से चाहिए। साथ में मैंने लिया है 1 कटोरी भर के गुड़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और ये 150 ग्राम जितना मसाला, और इस तरह से तेल लिया है। इसे गरम करके फिर मैंने इसमें 3 मिर्च डाल दी है। तो तेल इतना गरम करना है कि पूरा धुआं निकले, उसके बाद इसे ठंडा करना है, और इसके बाद इस तरह से मिर्च डाल देना। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब लेंगे बड़ा बाउल, इसलिए कि आपको फिर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसे एक दिन तक आप इस तरह से बड़े इसमें रख सकते हो, तो ये अच्छी तरह से बन जाएगा, ये साल भर तक चलने वाला आचार है। अभी इसमें डालते हैं मसाला। पहले इसे हम चला लेते हैं, और इसमें मैं थोड़ा और मसाला डालूंगी। मसाला ज़्यादा होगा तो और बढ़िया सा लगता है, मैं थोड़ा सा और मसाला ऐड करती हूँ। 100 ग्राम जितना मसाला होगा तो और इसमें हम ऐड करेंगे। मसाला अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो और भी बढ़िया से टेस्ट देगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बाद में इसमें डालते हैं गुड़ आपके हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा जैसे भी आपके घर में खाते हैं, या फिर तीखा बनाना चाहते हैं तो गुड़ को बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ खट्टा मीठा खाते हैं तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। अभी गुड़ को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ी देर लगती है। अभी जो मसाला हमने नीचे गया है उसे हम ऊपर करेंगे, ऊपर नीचे करके करेंगे तो बढ़िया सा बन जाएगा, और साल भर के बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप बनाओगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब इसमें डालते हैं तेल, थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, और इसमें तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये देखिए, इसका कलर देखिए इतना बढ़िया सा, और ये तीखा मीठा दोनों है, और जो हमने अचार का मसाला लिया है ना वो एकदम स्पाइसी है। वापस इसमें तेल ऐड करेंगे, वापस इसे चलाएंगे। ये घर में इसका सबको पसंद आएगा, इतना बढ़िया सा टेस्टी बनता है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके तेल डालिए और इसे हाँ अच्छी तरह से मिक्स करिए। वापस मैं डाल रही हूँ, अभी जितना भी बचा है ना वो पूरा डाल देते हैं। ये देखिए, पूरा डाल दिया है, अभी वापस इसे हम चला लेते हैं। अभी देखिए, इस तरह से हमने इसे चला लिया है, तो इसे मैं आधा घंटे के बाद वापस मैं आपको बताती हूँ, इतना बढ़िया सा लगेगा। ये देखिए, आधा घंटे के बाद फिर से बताऊँ। ये देखिए, आधा घंटा हो गया है, अभी हम देख लेते हैं। वाह, इसका लुक देखिए कितना बड़ा प्यारा आया है, खाने का मन हो रहा है ना, तो अभी इसे हम चला लेते हैं। देखिए, आधा घंटे में कितना सारा फर्क आया है इसमें, और जो मैंने पहले डिश में बताया था ना मसाला,
वो आधा था और उसके बाद मैंने आधा लिया था, मीन्स टोटल मैंने 150 ग्राम जितना मसाला डाला इसमें। और इसमें और भी थोड़ा आप ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन ये जो हमने लिया है वो एकदम परफेक्ट है। अभी इसे स्टोर कैसे करना है, कांच के जार में आप लीजिए, छोटे छोटे पहले जार ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए, ताकि जितना भी आपको खाना है तो आप साफ़ सुथरा चम्मच लीजिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप लीजिए और जो आपका जार है उसी से आप यूज़ कीजिए, और दूसरे वैसे के वैसे रखेंगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने छोटा सा जार लिया है तो इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से और इसे एयर टाइट कंटेनर में भी डाल सकते हो आप, तो बिल्कुल भी इसमें अगर हवा नहीं जाएगी तो ये आचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से मैं पूरा भर के आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से आप छोटे छोटे जार में डाल दीजिए और इसे कवर कर दीजिए। ये देखिए प्यारा सा हमारा आचार, तो इस तरह से बनाए, इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद है तो फ्रेंड्स को ज़रूर बनाइए, ज़रूर बताइए। और इस तरह से साल भर के लिए इजीली तरीके से आचार बनाइए। धन्यवाद।